This video is sponsored by Pix2's Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। शहीद पति का शव, पत्नी ने ऐसे तिलक लगाकर किया विदा। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे में जो इलाके के कासनी गांव का जवान शहीद है। जी हां, अरुणाचल के तवांग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे में झुंझुनू जिले के कासनी गांव के जवान शहीद हुए सतीश खांडा का सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। करवा चौथ के दिन पति की शव पत्नी ने तिलक लगाकर विदा किया। शहीद की पत्नी शव यात्रा के दौरान बेटे में गोद लिए आगे आगे चली। 2.5 साल के बेटे मासूम हर्ष ने मुखाग्नि दी तो अंत्येष्टि स्थल पर मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। कहा, बेटे आप तेरे पापा कभी नहीं आएंगे। एयरफोर्स में सर्जेंट सतीश अरुणाचल प्रदेश के पटोगर तैनात थे। 2 दिन पहले ही सेना की चौकियों पर केरोसिन की सप्लाई के दौरान उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने के में 7 जवान शहीद हो गए। सतीश उनमें से एक थे। सतीश का पार्थिव देह वायु के फ्लाइंग ऑफिसर निखिल पंत लेकर आए। सतीश को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े ग्रामीणों को सतीश अमर रहे, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, भारत माता की जयकारे लगाए। वायुसेना व पुलिस के कई जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 5 बहनों में इकलौता भाई था शहीद। जब वाना के जवान सतीश का शव लेकर उनके घर पहुंचे तो परिजन बहुराम मच गया। पत्नी किरण तो गुमसुम सी हो गई। शहीदों के शव देखकर किरण ने फोटो पर तिलक लगाकर अपने बेटे से कहा, बेटा आप तेरे पापा कभी नहीं आएंगे। वृद्धा माँ अंगूरी देवी और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। ग्रामीण वर्षेदार ढनास बता रहे थे, 2.5 साल का मासूम हर्ष कभी लोगों की ओर देखता तो कभी ताबूत की ओर निहारता जिसमें उसके पापा का शव लाया गया था, तो उसे इतनी भी समझ नहीं थी कि वो पूरा माजरा समझ पाता। दिवाली पर आने वाला था। रविवार को तिरंगे में लिपट कर आया संदीश सतीश दिवाली पर घर आने वाला था। उसे 5 अक्टूबर की शाम अपनी माँ को फोन कर कहा था कि उसकी छुट्टी मंजूर हो गई है और वह दीपावली में घर आएगा, लेकिन होनी को कौन कुछ मंजूर, कुछ और ही मंजूर था। 5 बहनों का इकलौता भाई सतीश 10 साल पहले वायुसेना में भर्ती हुआ था। पत्नी किरण हुई अंतिम यात्रा में शामिल। जवान सतीश की अंतिम यात्रा में पत्नी किरण अपने बेटे को गोद में लेकर शामिल हुई। वायुसेना के जवान सतीश को शव लेकर घर पहुंचे तो किरण के पति का चेहरा देखने की जिद करने के लिए हादसे में शव बुरी तरह जल जाने के कारण सेना के अधिकारियों ने ताबूत खोलकर शव दिखाना मुनासिब नहीं समझते हुए किरण व अन्य परिजनों को समझाया। इस पर किरण ने अंतिम यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया और मासूम बेटे हर्ष को गोद में लेकर अंतिम यात्रा में अंत्येष्टि स्थल तक गई, जाबाज पति को अंतिम विदाई दी। धन्यवाद।